आइए कॉन्सेप्ट नंबर 8 देखते हैं। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट। नाइदर माई फादर नॉर माई ब्रदर्स हैज गॉन टू जयपुर या फिर हैव गॉन टू जयपुर। नाइदर माई ब्रदर्स नॉर माई फादर हैज गॉन टू जयपुर या फिर हैव गॉन टू जयपुर। और अगला एग्जाम्पल है नाइदर काजल नॉर हर फ्रेंड्स हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग या फिर हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा नाइदर हर फ्रेंड्स नॉर काजल हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स या फिर हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब जो है करेक्ट वर्ब वो कौन सी आएगी? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो वर्ब होती है वो या तो सिंगुलर होती है या फिर प्लूरल होती है। ठीक है, जब कोई दो नाउंस नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं तो फिर हम जो वर्ब होती है, जो रिलेटेड वर्ब होती है, उसको सिंगुलर लगाते हैं या फिर प्लूरल लगाते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नाइदर प्लस नाउन प्लस नॉर प्लस नाउन से अगर सेंटेंस का जो दो नाउन्स हैं अगर जुड़ा है नाइदर नॉर से तो वर्ब जो आएगी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन आएगी। याद रखना, वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन यानी कि तुरंत जो बाद वाला यानी तुरंत जो वर्ब होगी उसके पहले वाला। ठीक है, इधर से देखेंगे तो सबसे बाद वाला और इधर देखेंगे तो वर्ब के तुरंत पहले वाला। ठीक है, तो क्या करना है, वर्ब कैसे आएगी, वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन। यहाँ पर जो सेकेंड नाउन होगा ये वाला नाउन इसके अकॉर्डिंग आएगी। ओके, सेकेंड नाउन कौन सा है? फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखेंगे, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। देखिए दो नाउन्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, द टीचर और द स्टूडेंट्स। और मुश्किल वाली बात ये होती है कि इसमें से एक जो है एक नाउन वो सिंगुलर है और दूसरा नाउन प्लूरल है, राइट। तो अब हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाएंगे या फिर प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। दूसरी बात, जो दो नाउन्स हैं सिंगुलर हो या प्लूरल हो एंड से तो जुड़े हों लेकिन इनका जो फॉर्मेशन है ये कैसे बना है, इनका स्ट्रक्चर कैसे बना है, इसमें दोनों नाउन्स को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो नाइदर और यहाँ पर नॉर है। नाइदर नॉर के जो सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो वर्ब होती है वो कैसे आती है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन। सेकेंड नाउन हमारा टीचर है, टीचर वो है सिंगुलर, दैट्स वाई यहाँ पर इज आएगा। ओके, आर नहीं आएगा, आर का यूज नहीं होगा। तो नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, ना तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ना ही टीचर प्रेजेंट है। ओके, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट नहीं करना है। ओके, दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है जस्ट इसके उल्टा है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट। अब इस सेंटेंस में क्या किया गया है, पहले द टीचर यानी कि जो सिंगुलर नाउन है उसको पहले रखा गया है, उसके बाद में फिर प्लूरल नाउन को रखा गया। ठीक है, उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करके नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट है तो बात वही, लेकिन जो क्रम है, जो पोजीशन है, जो ऑर्डर है नाउन्स का वो पहले जो है कौन सा आ गया है, पहले आ गया है सिंगुलर। ओके, फिर आ गया है प्लूरल। तो बाद वाला जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। द स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर लगेगा, राइट, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, बाद वाले नाउन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन। ओके, तीसरा देखते हैं, नाइदर माई फादर नॉर माई ब्रदर्स हैज गॉन टू जयपुर या फिर हैव गॉन टू जयपुर। तो यहाँ पर दो नाउन्स जुड़े हुए हैं नाइदर नॉर से और पहला वाला है माई फादर जबकि दूसरा वाला है माई ब्रदर्स। ओके, इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल और है, नाइदर माई ब्रदर्स, ये पहले माई ब्रदर्स आ गया है और उसके बाद में फिर नॉर से जुड़ा है, फिर आया है माई फादर। ओके, दो नाउंस माई फादर और माई ब्रदर्स, और दूसरे वाले में पहले माई ब्रदर्स फिर माई फादर। वर्ब्स क्या दी हुई है, हैज और हैव, ठीक है ना। तो हमको सिंपली क्या करना है, सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस कर देना है। वर्ब कौन सी आएगी, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन। सेकेंड नाउन हमारा कौन सा है, माई फादर या फिर माई ब्रदर। सेकेंड नाउन है यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में माई ब्रदर्स। ओके, तो ब्रदर्स प्लूरल है इसलिए हैव का यूज किया जाएगा, हैज का यूज नहीं किया जाएगा। ओके, तो नाइदर माई फादर नॉर माई ब्रदर्स हैव गॉन टू जयपुर। जबकि जो सेकेंड वाला इससे मिलता जुलता जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, नाइदर माई ब्रदर्स नॉट माई फादर। तो माई फादर बाद वाला जो नाउन है इसके अकॉर्डिंग आएगा इसमें, तो माई फादर सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज कीजिए। नाइदर माई ब्रदर्स नॉट माई फादर हैज गॉन टू जयपुर। ओके, इसी कॉन्सेप्ट का अगला एग्जाम्पल, नाइदर काजल नॉर हर फ्रेंड्स हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। नाइदर काजल नॉर हर फ्रेंड्स, दो नाउंस नाइदर नॉर से जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं, काजल और हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स बाद वाला नाउन है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। हर फ्रेंड्स प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पर हैव का यूज किया जाएगा, हैज का यूज नहीं किया जाएगा। नाइदर काजल नॉर हर फ्रेंड्स हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। लास्ट वाले में क्या है, नाइदर हर फ्रेंड्स नॉर काजल हैज या फिर हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बाद में क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है काजल। काजल सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज कीजिए, हैव का नहीं। ओके, याद रखना, नाइदर लगा हो फिर उसके बाद में नाउन, और फिर नॉर लगा हो और उसके बाद में फिर नाउन आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम जब वर्ब लगाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। ओके, सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी वो आएगी, यहाँ पर भी काजल के अकॉर्डिंग। ओके, नाइदर हर फ्रेंड्स नॉर काजल हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5। ओके, सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स के क्या दिए हैं, आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट इज आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट। ओके, एंड थर्ड वन इज आइदर माई फादर और माई ब्रदर्स हैज या फिर हैव गॉन टू जयपुर। ओके, नेक्स्ट इज आइदर माई ब्रदर्स और माई फादर हैज या फिर हैव गॉन टू जयपुर। एंड नेक्स्ट वन इज आइदर काजल और हर फ्रेंड्स हैज या फिर हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। एंड द लास्ट वन इज आइदर हर फ्रेंड्स और काजल हैज या फिर हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। नाइदर मीन्स होता है ना तो ना ही, ना तो वो उसने किया ना तो उसने किया, ना तो उसने किया ना ही उसने किया। आइदर का मतलब होता है, आइदर और का मतलब या तो उसने किया या फिर उसने किया। ओके, आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज प्रेजेंट, या तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है या फिर टीचर प्रेजेंट है। आइदर द स्टूडेंट प्रेजेंट, या तो फिर स्टूडेंट्स प्रेजेंट है या फिर टीचर प्रेजेंट है। दूसरे वाले में आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट, ऐसा दिया गया है। तो आइदर द, या तो फिर टीचर प्रेजेंट है या फिर स्टूडेंट प्रेजेंट है, यानी कि दोनों प्रेजेंट नहीं है, उनमें से एक, या तो ये या तो ये। ओके, तो वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, वर्ब हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे या फिर टीचर के अकॉर्डिंग लगाएंगे या फिर दोनों के अकॉर्डिंग लगाएंगे। आइदर और से अगर सेंटेंस जुड़ा होगा तो सेम वही नाइदर नॉर वाला रूल लग जाएगा, आइदर प्लस नाउन प्लस और प्लस नाउन, तो वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन यूज होगी। याद रखना, वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन, ठीक है। आइदर और से जुड़ा हो या नाइदर नॉर से जुड़ा हो तो सेम ही रूल होता है उसका, वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकेंड नाउन। इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट, बाद वाला जो हमारा नाउन है वो द टीचर है, द टीचर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज करिए, आर का नहीं। ओके, तो आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज प्रेजेंट। दूसरे वाले में क्या है, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे बाद वाला जो सेकेंड हमारा नाउन है वो कौन सा है, सेकेंड नाउन इज द स्टूडेंट्स एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। ओके, क्योंकि जो द स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है, इसलिए इसका नहीं आर का यूज करेंगे। ओके, थर्ड वन इज आइदर माई फादर और माई ब्रदर्स हैज और हैव गॉन टू जयपुर। सेकेंड सीधा सिंपल सा जो आइदर और से लगे हुए जो जुड़े हुए नाउन्स हैं उसमें हम बाद वाले को उठाएंगे, बाद वाले के अकॉर्डिंग लगा देंगे। माई ब्रदर्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए आपका यूज करेंगे। ओके, हैज का यूज मत करिए। और थर्ड फोर्थ नंबर पे क्या है, आइदर माई ब्रदर्स और माई फादर। माई फादर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैव को नहीं लगाएंगे। तो आइदर माई ब्रदर्स और माई फादर हैज गॉन टू जयपुर, हैव गॉन टू नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आइदर काजल और हर फ्रेंड्स हैज या फिर हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। तो बाद वाला जो नाउन है वो क्या है, बाद वाला नाउन है फ्रेंड्स और जो कि एक प्लूरल है, इसलिए हम हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे। राइट, जो हमारा लास्ट एग्जांपल है वो क्या है, आइदर हर फ्रेंड्स और काजल हैव या फिर हैज। काजल के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, सेकेंड वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। काजल सिंगुलर है, इसलिए हैज का यूज करिए, हैव का यूज मत करिए। आइदर हर फ्रेंड्स और काजल हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, याद रखना आइदर और से लगा हो, आइदर और से हमारा जो सब्जेक्ट है वो बना हुआ हो, तो वो जो आएगी वो सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। नाइदर नॉर से बना हुआ हमारा जो सब्जेक्ट है उसके जो दो नाउन्स हैं तो बाद वाले नाउन के हिसाब से जो वर्ब से तुरंत पहले आता है उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 10, द स्टूडेंट्स और द टीचर इज प्रेजेंट। दूसरा है द टीचर और द स्टूडेंट्स इज या फिर आर प्रेजेंट। एंड द थर्ड इज माई फादर एंड माई ब्रदर्स हैज या फिर हैव गॉन टू जयपुर। और नेक्स्ट है माई ब्रदर्स और माई फादर हैज या फिर हैव गॉन टू जयपुर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है काजल और हर फ्रेंड्स हैज या फिर हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। और लास्ट एग्जाम्पल है हर फ्रेंड्स और काजल हैज या फिर हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। कॉन्सेप्ट हमारा वही वाला अप्लाई होगा, अगर कोई दो नाउन्स एंड से जुड़े हो तो प्लूरल होता है, लेकिन आइदर और नाइदर नॉर या फिर और से जुड़ा हो तो हम जो वर्ब होगी वो सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग लाएंगे। याद रखना आइदर और नाइदर नॉर और ठीक है, आइदर और नाइदर नॉर और ठीक है, और का मतलब होता है अथवा। ठीक है, आइदर और से जुड़ा हो, नाइदर नॉर से जुड़ा हो या फिर और से जुड़ा होगा तो वर्ब हमारी आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग। राइट, सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। द स्टूडेंट्स और द टीचर इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट, या फिर स्टूडेंट प्रेजेंट है या फिर टीचर प्रेजेंट है। ओके, स्टूडेंट्स और अथवा, स्टूडेंट्स अथवा टीचर। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी भाई, वर्ब आएगी जो सेकंड हमारा नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग। सेकंड नाउन कौन सा है, टीचर है जो कि एक सिंगुलर है, इसलिए इसका यूज कीजिए। द स्टूडेंट्स और द टीचर इज प्रेजेंट। ओके, आर प्रेजेंट नहीं। आर का प्रेजेंट नहीं, इसका प्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द टीचर और द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट या फिर आर प्रेजेंट। द टीचर और द स्टूडेंट्स, सेकेंड वाला जो हमारा नाउन है वो है द स्टूडेंट्स और जो कि प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर आर का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। राइट, द टीचर और द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। थर्ड इज माई फादर और माई ब्रदर्स हैव या फिर हैज, क्या लगाएंगे, बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। माई ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए हैव का यूज करेंगे। प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। ओके, हैव गॉन टू। और नेक्स्ट है माई ब्रदर्स और माई फादर। सेकेंड वाला क्या है? माई फादर। माई फादर सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे। गॉन टू जयपुर। माई ब्रदर्स और माई फादर हैज गॉन टू जयपुर। ओके, सेकेंड लास्ट देखेंगे काजल और हर फ्रेंड्स, या फिर काजल या फिर उसके दोस्त। काजल और हर फ्रेंड्स बाद वाले नाउन को पकड़ते हैं, बाद वाला नाउन हर फ्रेंड्स है जो कि प्लूरल है इसलिए हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे। ओके, लास्ट एग्जांपल देखेंगे हर फ्रेंड्स और काजल, हैव या फिर हैज। काजल सेकंड नाउन है हमारा, तो हम सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्ब। ओके, सेकंड नाउन हमारा काजल है जो कि एक सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज का यूज करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे। हर फ्रेंड्स और काजल हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।